नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश की 522वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप अभी तक अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, और चूँकि इंग्लिश जो एक ऐसा लैंग्वेज है, कहा कि एक भाषा है जो कि आपको हर एक कदम पर आप उससे कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं, और आप उसको कितना भी मुंह मोड़े लेकिन वो आपके सामने आता ही जाता है। तो दोस्तों, इसलिए इंग्लिश पढ़ना सबसे पहले सीख लीजिए, और इस वीडियो में आप बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे कि वीडियो कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता था। कुछ ट्रिक भी रहेगा, कुछ टेक्स्ट भी है, कुछ वर्ड्स भी है, तो सब कुछ पे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, कि वीडियो कब कब आता है, सुबह आता है, शाम में आता है, तो इस घंटी को दबाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि इंग्लिश वर्ड जो है 6 लेटर्स के हैं, वो भी ENT के द्वारा जो है समाप्ति है, और बहुत ही ईजी है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं इसी को मैं डिटेल में बताऊँगा, हालांकि यहाँ मैंने लिख दिया है। और देखिए, ये जो रेड से मैंने मार्क किया है, यहाँ से यहाँ तक सब में रेड से मार्क किया है, वो सब क्या है, इसे ही ENT को एंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट बोलते हैं। और ये यहाँ है हमारा सफिक्स वर्ड। जी हाँ दोस्तों, सफिक्स वर्ड है। सफिक्स वर्ड किसे कहते हैं? सफिक्स वर्ड किसी भी वर्ड के अंत में कोई पार्ट्स ऑफ वर्ड आता है, ठीक है, तो वो होता है। अब कुछ कुछ शुरुआत में आता है, जैसे कि फर्स्ट स्टार्टिंग में आता है, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स वर्ड। जी हाँ दोस्तों, प्रीफिक्स वर्ड, ये भी जो है प्रीफिक्स वर्ड भी जो है हमेशा शुरुआत में ही आते हैं। इसके अलावा कुछ बीच के पार्ट होते हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपको बीच के पार्ट नहीं देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन कह सकते हैं, जैसे इसी ई को बोल सकते हैं, एली को बोल सकते हैं, इसे बीच के पार्ट बना सकते हैं आप, लेकिन फिर भी कुछ बीच के पार्ट होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है, उसकी पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। पार्ट्स ऑफ वर्ड कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, या कहें कि उसके बिना आप अंग्रेजी पढ़ना आपको मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, जो इधर इंग्लिश लिखा हुआ सेम उसका हिंदी इधर मैंने लिख दिया है यहाँ से आता, ताकि आप आसानी से पढ़ना सीख सके उसको। तो देखिए, चलिए इसी पे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 समझना चाहते हैं, तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, यार माइक पे बोलिए, आप सब सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। राइटिंग की बात करते हैं, स्पोकन की बात करते हैं, और रीडिंग की बात करते हैं, तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप। और यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, और सीखना है जो आपको, वो है दोस्तों कि अंग्रेजी पढ़ना, ठीक है, अंग्रेजी कैसे पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ने का वो ट्रिक कौन सा है जो कि आप बार बार जानना चाहते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो टेक्स्ट आया है, जो आपने शुरू में देखा था, वही है टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर उसे ही मैंने प्लस प्लस करके जोड़ा है कि भाई कैसे किसी चीज़ को पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर वर्ड्स है मैंने बना दिए, ENT को तो मैंने बताया कि एंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट बोलते हैं। एंट ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ पर जो दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एंट, ठीक है, एंट, इसे एंट बोलते हैं, एंट, एंट नहीं, एंट, ठीक है। अब देखिए, तरीका है सी से स होता है, स के ऊपर ई है, तो ई के लिए यहाँ देखिए मात्रा यहाँ दे दी है, ए दे दी है, एन के लिए यहाँ न हो गया, टी के लिए ट हो गया, और आई से री होता है, तो यह देखिए री, सी से सेंट, से आधा न ट सेंट, रिसेंट। अब देखिए, यहाँ पे CLI क्लाई है, तो क्लाइंट, और ई बना दीजिए यहाँ पर, क्लाइंट, क्लाई, क्लाइंट, क्लाइंट, ठीक, क्लाइंट, यही ई जो है बाद में इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्लाइंट हो जाएगा, या आप ये करिए। तो देखिए, ENT बोलते हैं, हाँ, CLI क्लाई होता है, तो क्लाइंट, दो बार में से पढ़ें, क्लाइंट। यहाँ देखिए, MO से मुँह होता है, MO से मुँह हो गया, उसके बाद एम से जो कि म होता है ये, तो एम उसके म लिख दिए, और ई के लिए जो ई है, ई का मात्रा यहाँ देखिए, तो ये मे हो गया, एन के लिए न हो गया यहाँ पर, और टी से ट हो गया, तो मोमेंट, क्या हो गया, मोमेंट। फिर देखिए, यहाँ पर ई एक्स को एक्स बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिए, ये सब प्रीफिक्स वर्ड जो कि हमेशा आता है, तो ई एक्स को एक्स बोलते हैं, तो ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स वर्ड है, और टी से ट होता है, और ए कार के लिए जो है ये यहाँ मात्रा दिया गया है, तो ए हो गया, एन के लिए ना, और टी के लिए टक, तो एक्सटेंट, है ना, एक्सटेंट। चलिए दूसरा कॉलम देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी पी ए से पै हो गया, तो पै देखिए यहाँ मैंने लिखा, पी से प होता है ना, ए का मात्रा, जैसे ए को क्या क्या बोलते हैं, तो ए को आ, उसके बाद आ,
ए और अ, ये चार तरह से ए का उच्चारण करते हैं। अब यहाँ पर ए कार के रूप में उच्चारण हुआ है तो हो गया फ। आर ई, देखिए आर ई है तो आर के लिए र और ई के लिए ए हो गया, तो रे हो गया पैरे, और एन के लिए एन और टी के लिए ट, पैरेंट। क्या हो गया? पैरेंट। और आई एन से इन होता है, आई एन से इन होता है इन, यहाँ देखिए टी के ट होता है, ई के लिए ए होता है, तो टे हो गया, एन के लिए न और टी के लिए ट, इंटेंट। क्या होगा? इंटेंट। टी ए से ट होता है तो ए के लिए यहाँ पर आकार की मात्रा देखिए तो ट हो गया, ट। एल के लिए ल, एल के लिए ल और ई के लिए ए के आर की मात्रा देखिए तो ले, एन के लिए न और टी के लिए ट, टैलेंट। क्या होगा? टैलेंट। अब देखिए पी ए से जो होता है पै, तो यहाँ पै देखिए पै, यहाँ एक्चुअली पै नहीं, यहाँ पर जो है पढ़ा पी ए का, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पै पढ़ा गया, लेकिन यहाँ पर जो है पी ए से पै नहीं पढ़ा गया है, पी ए से ये पे पढ़ा गया, पे। पे के लिए तो एक ही मात्रा आता है ऐसे पे। और टी से ट होता है, टी से ट होता है, और एक और ई के लिए एक और खींच लीजिए, और एन से आधा न होता है, यहाँ दिख रहा होगा, और टी से ट, यहाँ देखिए पेटेंट, पेटेंट होता है ना, पेटेंट, पैटेंट लोग बोलते हैं, पैटेंट, पेटेंट है ना। तो ये हो गया हमारा पैटेंट, न कि पेटेंट। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ एल यू से लू हो गया, सी से स होता है, एल यू से लू हो गया, सी ई से हो गया, एन से न और टी से ट, लूसेंट। एस आई से साई हो गया, एस आई साई, एल से ल और ई से ए, तो ले हो गया, साई ले, एन से न और टी से ट, साइलेंट। ए बी से एब होता है, ए बी से एब होता है, एस सी से पढ़ेंगे, एस सी से होगा, यहाँ सी ई से होता है, हो रहा था एस सी से भी से, तो एफ सेंट, एन से न टी से ट, एफ सेंट, एफ सेंट। बी का ये बी जो है आधा बह है, तो क्योंकि इसके बगल में तो कोई वॉवल है ही नहीं, जी हाँ, तो कोई वॉवल नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि भैया ये है आधा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ देखिए यू से अर बोलते हैं, यू को यहाँ पर बोला गया अ और आर को बोला गया र, तो हो गया ना अर, अर। जी से ज, ई एन टी से एन, जी ई से जे हो गया, एन से न हो गया, टी से ट हो गया, अर्जेंट, अर्जेंट। ए सी, ए से ए, सी से क, एक, सी ई से, सी ई से, एन से न और टी से ट, तो हो गया एक्सेंट, एक्सेंट। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। देखिए ई एन टी से जितना वर्ड्स था मैंने यहाँ पर कंप्लीट कराया है दोस्तों, यानी कि जितना भी आपने वीडियो देखा है तो मैक्सिमम जो है मैंने लिया था ई एन टी सफिक्स वर्ड को। अब दूसरे पे मैं बात करूँगा, दूसरे वर्ड पे बात करूँगा। तो खैर ये देखिए, कम से कम मैं तो रोज़ का टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट होता है वो मैं तो लूँगा ही, ताकि आप वो पढ़ना सिखा सकें, फिर राइटिंग पे ध्यान देंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि कैसे बोलना है। तो जब तक आप सीख न जाते हैं, जब तक दोस्तों आप रोज़ एक वीडियो पाएंगे और तरह तरह के टॉपिक्स पे पाएंगे, ताकि आप भी और आगे सीख सकें। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाए। और आज के समय में दोस्तों जो आपके हाथ में मोबाइल है और आप जो उस पर देखते हैं, सेटिंग्स देखते हैं, बहुत सारे जो अंदर के फीचर हैं, ठीक है, अंदर के यानी जो सेटिंग्स से फीचर या जो कुछ भी आता है, तब तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है, हिंदी में कुछ नहीं है, वो हिंदी कर देंगे तो और भी समझना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हिंदी भी क्लिष्ट होता है और हिंदी से हल्का ही इंग्लिश होता है, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कि पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों दो ही चीज़ को आपको फोकस करना है, एक तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पर, दूसरा कि वॉवल पर, वॉवल का उच्चारण कैसे होता है। तो वॉवल को उच्चारण, पार्ट्स ऑफ वर्ड तो याद करके आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते, कोई वर्ड पढ़ सकते, लेकिन उसका एक लिमिट है। लेकिन जैसे वॉवल्स पे कमांड करेंगे, वॉवल्स का उच्चारण कैसे होता है उस पर कमांड करते हैं, तो कोई भी वर्ड्स आपके सामने आए आप इजीली पढ़ पाएंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड पे कमांड करते हैं तो कोई वर्ड्स जब रहेगा तो आप पढ़ेंगे भी और बहुत ही अच्छे से किसी भी वर्ड को मतलब करेक्टली लिख पाएंगे। तो दोनों का संयोग अगर जोड़ दीजिए, दोनों का यूज़ करते हैं, तो समझ लीजिए कि कितना सोने पे सुहागा हो जाएगा और बहुत ही करेक्टली 100% करेक्ट आप तो एक स्पेलिंग लिखेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। तो आइए इसको पहले पढ़ कर देखते हैं कितना मिनट लगता है और क्या इसे इतने से पढ़ा जा सकता है, इसको मैं तोड़ के बताऊंगा। तो देखिए, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग क्रिकेटिंग समर डाउन अंडर फॉर द इंडियन टीम एंड करंट टूर
हैज अनदर सिक्स वीक्स लेफ्ट इन दीज डेज ऑफ रस आवर क्रिकेट द प्रीवियस टेम्पलेट ऑफ एयरली अराइवल एंड लिंग्विड वार्म अप मैचेस नो लॉन्गर होल्ड्स रिलेवेंस बट द नीड टू विन द वाइवल्स ड्यूरिंग द पैंडमिक demands that the team and team land a fortnight in advance go through the mandatory health checks before being medically certified to play. India arrived in Australia on November 12 and in the intervening period played 3 one-day international ODIs and 3 2020 international T20 इंटरनेशनल एस या IS कह सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया सीज द ODIs एट 2-1 एंड इंडिया रिस्पॉन्डेड ठीक है रिस्पॉन्डेड विद एन आइडेंटिकल स्कोर लाइन इन द सब्सिक्वेंट T20 IS द लास्ट ऑफ विच कंक्लूडेड एट सिडनी ऑन Tuesday with the last securing a 12-run victory swept aside by the gargantuan totals that Australia posted in the ODIs. Virat Kohli's men slowly found the collective voice which turned into a roar in the shortest format in a mixed bag first month out in. देखिए 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है अगर बहुत ही धीरे भी पढ़ते हैं तो, लेकिन जब आप नए हैं और बिगनर हैं आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो जाहिर सी बात है आप नहीं पढ़ पाएंगे. तो पहले तो उसको पढ़ना सीखेंगे, तो स्लोली स्लोली कैसे पढ़ेंगे ये देख लीजिए, और उसे तोड़ के कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊँगा. जैसे देखिए इट हैज बिन ए लॉन्ग, तो देखिए ONG ऑन्ग है ना, तो ओंग है यहाँ पर अगर एल के जगह जो है एस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सॉन्ग हो जाएगा SONG सॉन्ग. एम रख देंगे AM तो अमोंग हो जाएगा. तो बहुत सारे वर्ड बनते हैं ना, क्रिकेटिंग ING के पहले टी लिखा तो टिंग हो गया. समर SUM होता है और ER के पहले M है तो मर हो गया, तो समर ठीक है समर. ओन कौन बोलते डी से डॉन हो गया अंडर. यू एन कौन बोलते हैं ई आर के पहले डी है तो डर हो गया अंडर फॉर द इंडियन टीम. ई ए को बड़ी बोलते हैं, बड़ी कार की माता टी टर्म जुड़ गया टी से ट होता है एम को मा होता है टीम. ऐसे ही पढ़ सकते हैं एंड द करेंट ENT के पहले आर है तो रेंट हो गया CUR कर हो गया RENT रेंट हो गया. OUR है टूअर्स हैज अनदर ER के पहले TH है तो दर हो गया ANO अन्ना दर. सिक्स वीक्स लेफ्ट इन दीज AC को यहाँ पर ज पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया ज. हालांकि AC मीन्स S और E को से पढ़ते हैं लोग ना, वो भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर ज पढ़ा गया. अक्सर जो इंग्लिश में S को ज पढ़ा जाता है बीच में जब रहता है तो या लास्ट में रहता है तो यहाँ दीज है डेज AY है ना AY से वजह से D है इस डी के जगह यहाँ करते हैं हम पी तो क्या होता है पे. डब्ल्यू तो बे आर तो रे, कई सारे वर्ड बन जैसे कि RA रे ठीक है WAY पे SAY से है ना SAY से. तो डेज ऑफ रस यू का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ है तो क्या हो गया रस. आवर क्रिकेट द प्रीवियस, ये देखिए हमारा प्रीवियस वर्ड OUS जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है तो प्री वी बस VI तो पढ़ना था VI तो प्री वी एस टेम्पलेट टेम्पलेट पी जो है एल के साथ आएगा ए के बाद ई आया इसलिए उच्चारण एक आर के रूप में हुआ है एक आर के रूप में. तो प्ले टेम्पले हो गया टेम्पलेट नहीं बोलेंगे टेम्पलेट बोलेंगे टेम्पलेट ऑफ अर्ली एल वाई के लिए होता है तो अर्ली अराइवल एल से अल बी के साथ लगा तो वल अराइवल एंड लैंग्वेज ठीक है लैंग बोलते हैं एल के साथ लैंग हो गया इसी के साथ जी से ग जी को ज नहीं या ग बोल रहा तो ग्विड हो गया लैंग्वेज. वार्म अप मैचेस टी सी एच को च बोलते हैं टी सी एच को क्या बोलते हैं च तो एम एस ए मै हो गया मैचेज नो लॉन्ग ई एस आर जी से लगा तो गर ऐसे भी ONG को अंग बोलते हैं तो ऐसे लगता है तो सॉन्ग होता है
लेकिन चूंकि ग जी से ग हो गया है तो जग जी या के पहले जी लगा तो गर हो गया, तो लॉन्गर लॉन्गर होल्ड एच ओ एल डी होल्ड, अगर बी एच है तो होल्ड, बी रहता तो बोल्ड, एस रहता है एच की जगह तो सोल्ड हो जाता है। तो कई सारा वर्ड मीनिंग बन गया रेलेवेंट रेलेवेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, ए एन सी को एंस बोलते हैं रेलेवेंस। बट द नीड टू बी इन बायो बबल्स बबल्स ड्यूरिंग आई एन जी आर से लगा तो रिंग ड्यूरिंग द ए एन को एन बोलते पी के साथ लगा तो पैन हो गया डे हो गया मिक पैंडेमिक डिमांड्स द टीम। देखिए ई ए को बड़ी कार की मात्रा टीम यहाँ जैसे मैंने टीम यहाँ बताया था मैंने तो ये टीम्स लैंड ए एंड एंड जैसे एल है तो लैंड अगर एल की जगह एच रहता तो क्या होता हैंड होता एस रहता होता सैंड होता है ना वर्ड कई बनते हैं फोर्टनाइट फोर्टनाइट एन आई जी आई जी एस टी वर्ड बोलते हैं लगा तो नाइट तो फोर्टनाइट है ना फोर्टनाइट ऐसे बोलते हैं फोर्टनाइट। इन एडवांस ए डी को एड बोलते हैं और ए एन सी को एंस बोलते हैं तो वी क्या लगा तो वेंस हो गया एडवांस एडवांस गो थ्रू यहाँ पर एंस नहीं है लेकिन वी क्या तो वांस हो गया एडवांस। देयर मैंडेटरी मैंडेटरी हेल्थ चेक्स वी फोर विंग आई एन जी इंग वी को विंग वी बोलते हैं मेडिकली सर्टिफाइड 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 टू प्ले ए वाई के बोलते हैं पी एल वाई प्ले इंडिया अराइव्ड अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑन नोवेम ईयर के पहले वी लगा तो वर नोवेम्बर 12 एंड इन इन ईयर के पहले टी है तो टर एंटर ई एन के पहले वी है तो वेन एंटरवेनिंग आई एन जी हो गया पीरियड पी रियड हो गया प्लेड ए ए ए वे बोलते हैं तो प्लेड ई डी क्वेड तो प्लेड थ्री वन डे इन ईयर के पहले टी है तो टर ने टी एन को बोल सन आई एल को एल बोलते हैं इंटरनेशनल वर्ड इज ठीक है ट्वेंटी ई एन वी लगा हुआ टी में तो ट्वेंट हो गया फिर देखिए इंटरनेशन इसमें एल हो गया तो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया ऑस ऑस्ट्रेलिया सीज्ड द वर्ड इज एट टू टू वन एंड इंडिया रेस्पॉन्डेड तीन बार पढ़ेंगे इसको रेस्पॉन्डेड विद एन आई ई एन के पहले डी है तो डेन या ई एन टी डेंट हो गया इन आइडेंटी आइडेंटी एक साथ ले लिया आइडेंटी देखिए डेंटी ले लिया आई डेंटी कल सी एल कल आइडेंटिकल अस्कोर अस्कोर है देखिए अस्को स्कोर लाइन इन द सब्स एस यू वी सब सब हो गया एस सी से हो गया सबसे क्वेंट ई एन टी के पहले क्यू है यू के पहले क्यू है तो क्वेंट हो गया एक साथ पांच बार पांच वर्ड लेटर को पढ़ा जाएगा क्वेंट सबसे क्वेंट लास्ट ऑफ विच कन सी एन कन ये भी प्रीफिक्स वर्ड है ये क्लू हो गया डी डी डेट हो गया एट सिडनी सिडनी ऑन ट्यूज ट्यूजडे विद द हॉस्ट सी क्यू रिंग ए 12 रन विक्ट्री स्वेप्ट एसाइड बाय द गार्गेंटन टोटल्स दैट ऑस्ट्रेलिया पोस्टेड पोस्टेड इन द ओडीआईज विराट कोहलीज इसे एपिस्ट्रोफी बोलते हैं ई एन के पहले एम है तो मेन हो गया स्लोली फाउंड देखिए यहाँ एफ है तो फाउंड अगर इसी की जगह एस रहता तो साउंड हो जाता है ना अगर यहाँ पर एस को जगह आर ले देते तो आर ओ यू एन डी राउंड देयर कलेक्टिव टी आई वी भी बार बार रिपीट होता है कलेक्टिव सुपरलेटिव देखिए आई सी को सब बोलते हैं ऐसे आई सी को आई सी बोलते हैं तो वॉइस क्या होगा वॉइस वॉइस विच टर्नड ई डी है तो टर्नड इनटू अ रोअर इन द शॉट शॉट हो गया सॉ ई एस टू के एस टी के साथ टेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट इन अ मिक्सड मिक्सड बैग फर्स्ट मंथ आउट इन आउट इन। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। चलिए वो पार्ट देखते हैं कि क्या बार बार रिपीट हुए हैं वो पार्ट या नहीं। ऐसे मैंने सिर्फ इसी तरह से कह दिया है। देखिए आज के समय में दोस्तों अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम हैं आप शुद्ध पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक उपलब्धि बना पाएंगे लोग नज़र मिलाया कि भाई इसको आता है। देखिए आजकल महिलाओं पर खास कर ध्यान देना होगा इस तरह की क्योंकि अगर वो सीखती हैं तो अपने घर में
बहुत सारे लोगों को सिखा सकते हैं, छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, तो उनको सीखना चाहिए। और जो लड़के हैं, देखिए बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि भाई ग्रेजुएट हैं, जॉब में है, लेकिन एक लाइन जो है, एक लाइन के एक वर्ड की बात की जाए, अच्छा मतलब थोड़ा सा इजी नहीं, तो वो कंफ्यूज जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, गलत पढ़ते हैं। तो उनको मतलब मेरी तरह सलाह है, अगर आप सुन रहे हैं तो ये क्योंकि वीक है आप, आपको इस तरह से माहौल नहीं मिला है, या कहें कि आपकी पढ़ाई में शुरू से आपने ध्यान नहीं दिया, होता है क्या कि भाई माध्यम जो भी है, मीडियम हिंदी मीडियम, तो हिंदी पे फोकस ज़्यादा होता है, स्कूल भी उसी तरह से, तो हिंदी भाषी राज्यों में इंग्लिश पे फोकस कम दिया किया जाता है, तो लेट से किया जाता है। अगर इंग्लिश मीडियम से रहते हैं तो करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी इस ऐसे कभी इस तरह से सिखाया पढ़ाया नहीं जाता जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। बस वहाँ बड़े बड़े सेंटेंस और बड़े बड़े वर्ड्स को बस प्रैक्टिस लिखने कराया जाता है, और धीरे धीरे बोलते बोलते वो लोग सीख जाते हैं, क्योंकि 10 साल एक्चुअली स्कूल में वो इंग्लिश में ही लिखते पढ़ते जाते होते हैं। हिंदी संस्कृत मैथ को, मैथ भी हिंदी संस्कृत को छोड़कर सारे सारे सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में ही वो कवर अप करते हैं, तो उनको तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं कितना भी गलती बोले, कितना भी काम करें, वो लिखेंगे ही। खैर उनकी बात नहीं हो रही है, जो नहीं जानते उनकी बात हो रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो ओंग है वो इसको बोलते हैं ऑंग, ओंग तेल लगे तो लॉन्ग, ऐसे सॉन्ग, इंग है तो टिंग हो गया। अब देखिए ई आर है, तो ई आर है उनके साथ लगा पहले, ई आर सब जगह लगेगा, जैसे कि ई आर है डी के साथ लग रहा है, यू एन है अन है, ओ एन ऑन है, ई ई ए को ए बोलते हैं, देखिए ई एन टी है आर के साथ लगा तो रेंट हो गया, ई आर फिर देखिए टी एच के साथ लगा, फिर और देखें ए वाई है तो ए हो गया, डे से ले पे मे है ना। अब देखिए ए में मे नहीं होता है, ए मे वाई मे सकता है, सी ए वाई नहीं, सी ए वाई नहीं, एस ए वाई से तो कहीं है ले। अब देखिए यहाँ पर ली हो जाता है तो अर्ली आर ए एल को अल बोलते हैं, राइवल पी आर ई प्री होता है वो यू इसको ऐसे बोलते हैं, प्रीवियस टेम्पलेट टेम्प ए वाई के बाद ही आया है तो लेट हो गया, ठीक है। प्लेट प्लेट टेम्प प्लेट पी एल ए टी प्लेट, ऐसे भी प्लेट को प्लेट बोलते हैं। तो खैर ए को ए और ए का उच्चारण समझिए कि ए के बाद जब भी ए है उसके बाद कोई भव्य कॉन्सनेंट है उसके बाद ई आए तो उच्चारण ए का एक रूप में न होकर एक रूप में होता है, इसके ई क्या निकलेगा। अब देखिए टी सी को चा बोलते हैं, ओ एन जी को हम बोलते हैं, यार लग गया तो लॉन्ग है तो लॉन्ग में यार लगा तो लॉन्गर हो गया, ओ एल डी ओल्ड है इसे तो मैंने बताया था, होल्ड होल्ड सोल्ड बोल्ड है ना, एन सी को एंस बोलते हैं, एन डी को एन, ए आई जी एस टी देखिए आइट है, इन लगा हुआ था नाइट है, अगर एफ रहता तो फाइट, ऐसा था साइट, एम रहता तो माइट, आर रहता इनके देगा तो राइट हो जाता है, कई वर्ड बनते हैं। एड देखिए एड है, फिर एंस हो गया एडवांस, एन है तो एम लगा तो मैन हो गया, री हो गया, बी है तो बी हो गया, एन जी को इंग बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, सी हो गया सर हो गया, यू पी को आर बोलते हैं, एल वाई को ले बोलते हैं तो प्ले हो गया, ई डी को एड बोलते हैं तो राइट हो गया, ई आर को आर बोलते भी लगा तो बर हो गया। फिर देखिए यहाँ इन हो गया, ई आर के पहले टी है तो टर हो गया, ई एन के पहले वी है तो वेन हो गया, एंटर वेन इन, ई ए वाई को ए, एल लगा तो ले, ए डी तो प्ले, ए वाई को ए, डी लगा तो डे, इन इन देखिए यहाँ इन है, ई आर के पहले टी है तो टर हो गया, इंटर नेशनल्स है ना, देखिए टी एन को वह सन बोलते याद रखिए, ई एन है तो ट्रेन हो गया, टी हो गया ट्वेंटी, इन आर सन देखिए रिपीट हो रहा है, बार बार देखिए रिपीट हो रहा है, ई एन आर तो ई एन आर एस यू वी सब होता है, तो ये देखिए ई एन टू कैंट बोलते हैं, सी एन से कन बोलता है, ई वाई को ए वाई को ए, आई एन यू के इंग, आर यू कैन रन, आर वाई को री, ई एन को एन, एल ओ को लो, एल वाई को ली। अब देखिए एस ओ टी डी को टेड बोलते हैं, ये भी बार बार रिपीट होता है, टी आई वी टी भी रिपीट होता है, सी को स बोलते हैं, ओ इन डी कंड जैसे एफ है तो फाउंड, एस रहता तो साउंड, आर रहता तो राउंड हो जाता है, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, टी है तो टेस्ट हो गया, वर्क वार जैसे फॉर हो गया ना, फॉर हो गया, बहुत सारा जो टी ओ अगर आर रहता तो टर होता है, टट वाइज टट बहुत सारे टट वाइज बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ई डी को एड बोलते मिक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों ये है, बस इसी तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं ईजिली, तो इन सारे वर्ड्स को आप कॉपी पर लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और जब भी अंग्रेजी पढ़िए कॉपी लीजिए, कोई भी टेक्स्ट लीजिए, उसमें खोजिए भाई कि उसको क्या पढ़ पाते हैं या नहीं पाते हैं।
चलिए दोस्तों, ये जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए भौवेल। अगर भौवेल दिमाग में रहता है तो कोई भी पार्ट्स वर्ड की जरूरत नहीं है। भौवेल जो है पांच तरह का होता है, और जैसे कि ए को क्या बोलते हैं, ए को आ ए बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं आ ई ए बोलते हैं, आई को आ ई बड़ी और आई बोलते हैं, ओ को जो है दोस्तों आ ओ बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, यू को आ ऊ और यू बोलते हैं। इसके बाद डबल ओ को क्या बोलते हैं, आ ऊ ओ और ऊ, इतने सारे बोलते हैं। देखिए कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट फिर उसके बाद ही वर्ब आता है, वोवेल आता है तो एक वर्ड बनता है, या वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो भी एक वर्ड बनता है। तो ये वर्ड जो है, वर्ड का निर्माण कई पार्ट्स होता है, ठीक है, पार्ट उसके लिए कई पार्ट होते हैं, पार्ट प्लस पार्ट को ही मिलाकर एक कहते हैं ना कि वर्ड बनता है, वो पार्ट आपको समझना है कि क्या है वो तरीका। चलिए जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आया है पर स्लाइड, तो इसमें एक मीनिंग है, ठीक है, भौवेल। पहले फिर से आप देख लीजिए क्लियर से, इस पर पहले बात करते हैं। तो देखिए यहाँ जो भौवेल है, भौवेल कई जगह कहाँ कहाँ, ये देखिए हमारे यहाँ भी भौवेल है, यहाँ भी एक वर्ड में दो भौवेल है, तो यहाँ पर चूँकि ए की बात कर रहे हैं तो ए का उच्चारण क्या होगा ये देखना है। यहाँ पर एक ही भौवेल है ए, इसका उच्चारण क्या होगा ए का उच्चारण, यहाँ ई ए ई है तो ए का उच्चारण क्या होगा, ए है तो ए का उच्चारण क्या होगा। तो देखिए यहाँ कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, एल में लेन में उच्चारण ए के रूप में हो, कैप में उच्चारण एक आय के रूप में हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ए है, इसमें पहला ए का उच्चारण आ के रूप में पहले वर्ड में, दूसरे वर्ड में आ के रूप में उच्चारण हुआ, तीसरे वर्ड में ए के रूप में, चौथे वर्ड में आय के रूप में उच्चारण हुआ ना। अब देखिए पी आर पर है तो यहाँ ई जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ, प्री में जो है छोटी बड़ी के रूप में उच्चारण हुआ, और पे ई एन पेन में जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ, एस आई आर सर में अ के रूप में उच्चारण यहाँ हुआ, एफ आई जी फील में यहाँ पर जो है ई के रूप में उच्चारण हुआ, टी आई एन टीन में जो है ई के रूप में उच्चारण हुआ, और पी आर आई एम ई प्राइम में जो है आई के रूप में उच्चारण हुआ है। ये देखिए एस ओ एन वाले, देखिए एस ओ एन में ओ जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ, आउट में आ के रूप में उच्चारण हो रहा है, मून में जो है ओ के रूप में उच्चारण हो रहा है, और टोन में जो है वो के रूप में उच्चारण हो रहा है। देखिए एस यू एन में जो है यू जो है आ के रूप में उच्चारण, शन ब्यूटीपुट ओ के रूप में उच्चारण हुआ, और टी यू एन ई ट्यून ई यू के रूप में उच्चारण हुआ ट्यून। डबल ओ वाला में देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लड आ के रूप में उच्चारण हुआ, ए आर ओ डबल आर डबल ओ एम रूम, ये तो यहाँ अ के रूप में यहाँ, और यहाँ ऊ के बड़ी ऊ के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि भाई कैसे जो है हर एक वर्ड, मतलब कि वोवेल से एक वोवेल को कई तरह से बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई तरह से बोल सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखना होगा। अगर सीखते रहना दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ मैं आऊँगा। हालाँकि टेक्स्ट जो आता है वो टेक्स्ट रोज़ रहेंगे, ताकि आप रोज़ प्रैक्टिस करें हमारे साथ, ताकि आप सीख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, घंटी को दबाइए, तभी पता लगे वीडियो कब कब आता है। तो एक और यहाँ लिंक दिया गया, प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ भी दिया गया, और चैनल को सब्सक्राइब करने के तरीका है, यहाँ भी टच कीजिए, सत्यों को सब्सक्राइब कर पाएंगे। या हमारे वीडियो को डे वन देख रहे हैं तो बस यहाँ टच कीजिए, और हमारे वीडियो को डे वन देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपका इंतजार कर रहा है, वो भी दोस्तों 620 प्लस वीडियोस आपके लिए पहले से अवेलेबल है। तो मिस ना करें दोस्तों, और देखते रहिए वीडियो को, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू।